नमस्कार, अभी मैं हूँ कर्णप्रयाग में और बस अड्डे की तरफ एक बड़ा जन समूह अभी जा रहा है, क्योंकि आज कर्णप्रयाग में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो है सिमली बेस अस्पताल का जो सफल संचालन होना चाहिए उसके लिए ये जो है यहाँ पर रैली की जा रही। लाइन देखिए, ये अलग अलग गांवों से और बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी जा चुके हैं बस अड्डे की ओर। तो सिमली में बेस अस्पताल कब चालू होगा, इस पर मैं पहले भी अपनी बात रख चुका हूँ। जो सिमली की जो संघर्ष समिति है वो लोग लगातार प्रयासरत हैं और इसी क्रम में आज कर्णप्रयाग में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए हम पहले उस स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ से रैली स्टार्ट होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जन सैलाब, मातृशक्ति, छोटे बड़े सभी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, आपको पुलिस प्रशासन की ड्यूटी, ताकि कोई उपद्रव न हो और कोशिश यही रहेगी कि शांति के साथ जो है यहाँ पर जो है रैली की जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कई नामी गिनामी यूट्यूबर पत्रकार लोग भी यहाँ पर हैं। फिलहाल आप जन सैलाब देख सकते हैं, ये है जन सैलाब, जनता की शक्ति। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। रैली स्टार्ट हो चुकी है, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। पहले
आप भीड़ देख सकते हो, मातृशक्ति की भीड़, नौजवानों की भीड़, और यहाँ पर ज़्यादातर आपको मातृशक्ति ही दिखाई दे रही होगी। अलग अलग गांवों के, इस क्षेत्र के, चमोली जनपद के अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं आज यहाँ पर अपना जन समर्थन देने के लिए इस जनशक्ति आंदोलन में शामिल हुई है। ये देखिए आप, सरकार को तो जागना जरूर पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर, और पूरे क्षेत्र की मातृशक्ति ने दिखा दिया है कि जब वो सड़कों पर इतनी उतरती है तो पहाड़ की नारी सब पर भारी पड़ती है। ये जन सैलाब अब यहाँ से जो है खनप्याग नीचे मार्केट पीपल के पेड़ तक जाएगा और वहाँ पर एक पर युवाओं का समर्थन भी देखने को मिला। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। स्टेशन पे ये विशाल जन सैलाब पहुँच ही गया है लगभग लगभग।
यहाँ पर मंच में पहुँच चुके हैं पीपल के पेड़ के करीब, और ये बहुत विशाल जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा है। अब इनको पीछे बैठना होगा यहाँ से। अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आगे की रणनीति संघर्ष समिति द्वारा जो बनाई गई है वो आपके बीच रखी जाएगी। मैं संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपना मंच पर स्थान करेंगे। गौरव सेनानी के अध्यक्ष गौरव सेनानी की ओर से भाई महेंद्र जी वो कृपया मंच के आसपास रहेंगे। ये मंच मातृशक्ति का है। यहाँ पर आज सभी मातृशक्ति को आगे आने चंद्रकला नोटियाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा जनसैलाब, और अब यहाँ से संबोधित किया जाएगा और जल्द से जल्द बेस अस्पताल का संचालन हो, इसके लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और आज से विधानसभा गैरसैंण में भी जो है नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है, तो उनके कानों तक हमारे जनप्रतिनिधि विधायक सांसदों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ। अनु भाई दरी विश्वास है यार वहां से ब्रिजेश भाई, एक दरी वगैरह कुछ हो जाए, पीछे महिलाएं खड़ी है। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए भारत माता की मेरी मांग, मेरी मांग, मेरी मांग सम्मानित मंचासी और मातृशक्ति। अभी आप लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनके और आपको यहाँ पे एकत्रित करने में जिस संघर्ष समिति का निर्माण किया है और वो कर्मठ शख्सियत हमारे बीच आदरणीय हमारे छोटे भाई देवेंद्र नेगी उर्फ मुन्ना भाई, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और भाई प्रताप मित्रा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुन्ना भाई का माल अर्पण कर उनका स्वागत करें और मंच पुनः देवेंद्र रेड्डी जी के पास। समान देवेंद्र रेड्डी जी और बेस अस्पताल संघर्ष समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष मंत्री और सभी सदस्य मंचासीन सभी 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 उपस्थित गण, मेरी मातृशक्ति जो कि आज याद जा रहा है उत्तराखंड आंदोलन का, ऐसे ही हम खड़े हुए थे आपके आगे उत्तराखंड, हम लोग उत्तराखंड आंदोलन को आंदोलन पूरा करके उत्तराखंड को दिया, तो ये तो बहुत छोटी मांग है आप लोगों के लिए। आप लोगों को साक्षात दुर्गा गुरु यहाँ पर है, जो आप जहाँ पर महिलाएं आ जाएंगी तो समझो वो कार्य सफल हो गया। और मैं धन्यवाद दूंगी कल्पना की सारी सभ्रांत जनता को, सब जिन्होंने इस संघर्ष समिति को सहयोग दिया। और बड़ी खुशी होती है कि सरकार जो है अस्पताल तो खोलती है, उसमें तो बहुत खुश होता है, खुशी होती है हमको, लेकिन जब वहाँ की अव्यवस्थाएं तो वो दिखती है तो बड़ा दुख होता है। हमारी महिलाएं देखिए आज वो अपने घर परिवार को, बुजुर्ग को, अपने गाय भैंसों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित होती है। यदि उनकी कोई पीड़ा होती है तो बड़ा खेल होता है कि वास्तव में आज हम लोगों को जो आवश्यकता है वो है एक चिकित्सालय की बेस महिला अस्पताल की। जब हमारे नाम से अस्पताल खुला हुआ है तो उसमें सुविधाएं क्यों नहीं, उसमें सुविधाएं क्यों नहीं, महिला डॉक्टर दीजिए, सब
पूरे हर 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 डिपार्टमेंट खोल के जितने भी रोग जितने रोग विशेषज्ञ है सब दीजिए, तब जाके तो पूरा होगा। ये तो केवल 100 पीस जैसा दे दिया उन्होंने महिला बेस अस्पताल को। बहुत अच्छी मांग है आप लोगों की, और आप सभी युवा शक्ति, सभी मातृशक्ति एकजुट होकर काम कीजिए। मैं अधिक नहीं बोलूंगी, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन में एक बोलूंगी कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, इस संघर्ष में संघर्ष करते रहिए, और हम भी आपके साथ हैं। जबकि मैं भी रिटायर होकर 10 साल हो गए हैं। उस समय 2012 में शायद खुला था बेस अस्पताल, तो उस समय हमको बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी महिलाओं की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज महिलाएं अगर उनको प्रसव वेदना या अन्य कोई रोग से ग्रसित होती है, हमारी गरीब जनता 75% जनता हमारे गाँव में रहती है, गरीब है, उनके पास कोई ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं। वो जब अस्पताल तक पहुँचते हैं, यहाँ पर उनको रोग विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं, उनको आगे जाना पड़ता है और अपने जीवन से खिलवाड़ करना पड़ता है, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए कितना दुर्भाग्य है। तो मैं सच में यही कहूँगी, अंत में मुझे महादेवी वर्मा की यह कविता याद आती है, सच कहती हूँ लोगो, सच कहती हूँ लोगो, समझो अपना हमें न समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत समय समझो। धन्यवाद।